तो भाई 5:20 का टाइम है शायद, अभी 5:20 हो रहे हैं और मेरे को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही, पूरी रात नींद नहीं आई। आज डेडलिफ्ट है, देखो पता नहीं कैसे लगती है डेडलिफ्ट। अभी मैं शेक बनाने जा रहा हूँ आपको, आज डेडलिफ्ट भी आपको दिखाऊंगा, देखते हैं कैसी लगती है डेडलिफ्ट, क्योंकि डेडलिफ्ट मेरी वीक लिफ्ट है सबसे। तो वार्म अप के बाद ही मेरा फर्स्ट सेट है 155 kg से। लास्ट टाइम 155 kg के सेट 2 रैप आए थे, वो भी मुश्किल से निकले थे, तो मेरे को लगा 155 kg रखना चाहिए इस बार भी, बट सरप्राइजिंगली इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा रैप आ गया, 5 रैप आ गए, और लास्ट में अब देखना क्रैम्प आएगा एकदम से तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं 6 to 7 रैप इसके कर लेता 155 kg के। हालांकि मेरे को हैवी जाना था 2-3 रैप पे, बट मेरे को नहीं पता था कि एकदम से इतना बूस्ट मिल जाएगा स्ट्रेंथ को, क्योंकि मैंने डाइट वगैरह एकदम से सब मतलब बढ़ाया और वेट भी थोड़ा बढ़ा है, 57.2 kg वेट है। और 155 kg के बाद मैंने फिर 160 kg कर दिया, अपने जो भी जिम में मेरे दोस्त आते हैं साथ में पावर लिफ्टिंग करते हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा 160 करके देख एक बार, तो मैंने 160 kg करा तो उसमें 4 रैप्स निकले। बट मेरे को ये था कि अगली बार मैं वेट थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, अगर पूछूँगा अपने कोच से कि वो अलाउ करते हैं एक हैवी ट्रेनिंग अभी, और क्योंकि एक कंपटीशन भी अभी आ रहा है 13 दिसंबर को मेरा, तो प्रगति मैदान में होगा कंपटीशन, कंपटीशन की डिटेल्स मैं आपको आगे दूंगा। तो 160 kg से मैंने 4 रैप्स निकाले थे, अब इसके बाद जो है 145 kg मैंने कर दिया, मैंने कहा चलो एक बैक ऑफ सेट भी ले लेते हैं, बट जान जो है काफ़ी लग चुकी थी उसमें, इसलिए इसमें थोड़ा मैं पावर इतनी नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि इसके भी मैंने फिर 4 रैप्स निकाले थे, बॉडी एक तरह से फेल भी जा रही, पहले मैं तो देखिए उठा ही नहीं पहले ट्राई में, तो फिर मैंने उसके बाद थोड़ा सा और स्टैंड सही किया और थोड़ी बॉडी टाइट करी और इसके बाद मैंने फिर उठाया तो इसके भी मैंने 4 रैप्स निकाले थे। तो यही था डेडलिफ्ट का, कि मेरे को लगा कि मैं थोड़ा ज़्यादा निकाल सकता था, बॉडी वेट ठीक 57.2 kg बॉडी वेट है, और उस हिसाब से मेरे को डेडलिफ्ट अपनी कम से कम 190-180 मेरे को रखना है, मतलब मेरा गोल ये है 190 तक तो, और ताकि एक लगे हाँ एक लिफ्ट एक लेवल पे पहुँचे, और डेडलिफ्ट मेरी वीक लिफ्ट है तो इसलिए मैं थोड़ा इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ। बाकी वर्कआउट जो है ये एक्सेसरी मूवमेंट्स हैं, तो बाकी की वीडियो इन्जॉय करिएगा, और कोई आपको एक्सेसरी मूवमेंट के बारे में जानना हो या किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा। I love you, and you wanna be a boss, but like I do, and I'm the only one.